हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खैरियत से होंगे। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्किन केयर प्रोडक्ट। जी हाँ, और वो प्रोडक्ट है ये एवर यूथ का एक्सफोलिएटिंग वॉलनट स्क्रब। तो आप सभी जानते होंगे कि स्क्रब हमारी स्किन केयर का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और अगर हम अपने फेस पे स्क्रबिंग करते हैं तो उससे हमारे फेस की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दूर रहती हैं। और वीकली एटलीस्ट 2 टाइम तो हमें स्क्रबिंग करना ही चाहिए। अगर हम आप अपना जो है कील मुहासों से अगर अपनी स्किन को दूर रखना चाहते हैं तो उसके लिए, तो चलिए प्रोडक्ट को जान लेते हैं डिटेल में कि कैसा है कैसा नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सेल्फ़ लाइफ की। तो सेल्फ़ लाइफ जो है वो इसकी है 3 इयर्स की, पैराबिन फ्री है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसमें क्लेम किया गया है कि ये ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है और डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करता है। और क्वांटिटी इसकी बात करें तो है 25 ग्राम की, और प्राइस जो है इसका वो 45 रुपीज़ है। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में ये हमें मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप बिगनर्स हैं, आपने कभी स्किन केयर नहीं किया, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं आज के वक्त में भी जो कि स्किन केयर नहीं करते हैं, तो आप अपने लिए फर्स्ट टाइम अगर ट्राई करना चाहते हैं या फिर स्टार्टिंग ही आपका, तो अपने लिए ये ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा स्क्रब है। मैंने इसको यूज़ किया हुआ है एंड देन मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह की छोटी सी ट्यूब है इसकी। प्रोडक्ट जो है उसका कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, थोड़ी सी थिक है इसकी, काफ़ी क्रीमी कंसिस्टेंसी है इसकी, और इसमें बहुत ही बारीक बारीक पार्टिकल्स हैं जो कि आपकी स्किन पे जो है बिल्कुल भी हार्श नहीं होंगे, काफ़ी जेंटल हैं आपकी स्किन पे। आपने क्या करना है, आपकी स्किन के लिए सबसे पहले इस प्रोडक्ट को निकाल लेना है एंड अपने फेस पे अप्लाई करना है, और उसके बाद अच्छे से मसाज करनी है अपने फेस की एटलीस्ट 2 मिनट्स तक, और उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लेना है, फेस से एंड डैप टाइप करके सुखा लेना है, फिर अप्लाई कर लेना है अपना मॉइस्चराइज़र। लेकिन ये स्टेप फॉलो करने से पहले आपको एक स्टेप और फॉलो करना है, वो ये है कि आप अपने फेस को सबसे पहले स्टीम दे दीजिए। स्टीम किसी भी तरह से आप दे सकते हैं, अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उससे स्टीम दे दीजिए, नहीं है स्टीमर तो आप क्या करें, कोई सा भी है छोटा सा टावल लेके उसको गर्म पानी में डिप करिए, और वो टावल जब गर्म हो जाए ना तो अपने फेस पे टैप टैप करिए उसको, ताकि आपके ओपन पोर्स जो है वो ओपन हो जाए। इससे क्या होता है कि जब आप स्क्रबिंग करते हैं ना तो आपकी जो भी डेड स्किन सेल्स है वो अच्छे से रिमूव हो जाती है, आपकी स्किन में जो अंदर गंदगी जमा होती है वो भी निकल जाती है, और आपकी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से रिमूव होते हैं। तो आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि स्क्रब करने के पहले ये स्टेप ज़रूर करें, ताकि आपका स्क्रब जो है वो और अच्छे से वर्क कर पाए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है ये स्क्रब, जब आप इसको अप्लाई करेंगे ना और धोने के बाद आपको खुद से ही फ़र्क दिखेगा आपकी स्किन में, आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखेगी, आपको खुद ही एक ग्लो दिखेगा आपके फेस पे कि हाँ कितना डिफरेंस आया है आपके फेस में स्क्रबिंग के पहले स्क्रबिंग के बाद। आप वीकली 2 टाइम्स आप इसको ज़रूर से फॉलो करें अगर अपनी स्किन में अच्छा डिफरेंस देखना चाहते हैं तो, ठीक है। तो मैं इसको 2 बार यूज़ करती हूँ और मेरी स्किन काफ़ी इम्प्रूव हुई है, तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये रहा इसका छोटा सा रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। उसके पहले जाने से पहले मैं आपको स्किन में डिफरेंस दिखा दूँ, स्मूथनेस आप देख सकते हैं मेरी स्किन में, थोड़ा सा ग्लो भी देख सकते हैं। ये मैंने अभी रिंस नहीं किया है तो मैं इसको बाद में धो लूँगी, मैंने हैंड पे अप्लाई किया है। आप अपने फेस पे नेक पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा होने वाला है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत ख्याल रखें अपना और दुआ करें मेरे लिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।